पर्यटन नगरी रानीखेत में कदली वृक्ष के आमंत्रण के साथ 134वें नंदा देवी महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। नंदा देवी समिति के तत्वावधान में कदली वृक्ष को राय स्टेट स्थित माधव कुंज में पूजा अर्चना कर माता के जयकारों के साथ नगर भ्रमण कराकर नंदा देवी मंदिर परिसर में लाया गया। बता दें कि आज सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए कदली वृक्ष लाने माधव कुंज राय स्टेट निवासी विमल भट्ट के आवास पर पहुंचे, जहां पंडित विपिन चंद्र पंत ने कदली वृक्षों के छांव में पूजा अर्चना संपन्न कराई। यजमान सुरेंद्र लाल शाह ने पूजा अर्चना में शामिल हुए। नंदा देवी महोत्सव समिति के अध्यक्ष अंशुल शाह ने बताया कि आज शाम से ही मूर्ति बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद 11 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त में मूर्ति स्थापना के बाद पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान श्रद्धालु देवी के दर्शन कर सकेंगे। 15 सितंबर को देवी की शोभा यात्रा और मूर्ति विसर्जन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। कदली वृक्ष आमंत्रण दिवस के अवसर पर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि रानीखेत क्षेत्र की मैं आज 134वां नंदाष्टमी दिवस मनाया जाएगा। उसके पूर्व संध्या भर की जो कदली वृक्ष की पूजा होती है, कदली वृक्ष की मूर्ति बनाई जाती है, उसके आज पूर्व संध्या है। यहाँ पर भारी संख्या में हमारे रानीखेत के तमाम बुद्धिजीवी लोग, मातृशक्ति, व्यापारी, युवा सभी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं सभी को, पूरी कमेटी को बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नंदा देवी महोत्सव की शुभकामनाएं हैं। आज नंदा देवी जी को की कदली यहाँ से जारी है, प्रतिष्ठित उनको किया जाएगा। और रानीखेत का सौभाग्य है कि 134वां ये अवसर है जब रानीखेत में नंदा देवी को प्रतिष्ठित किया जाएगा, पूजा अर्चना होगी। सुरेंद्र शाह आज राजा के रूप में इसमें उपस्थित रहेंगे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। माता का आशीर्वाद पूरे उत्तराखंड को मिले और उत्तराखंड की तरक्की हो, शांति हो और हमारा उत्तराखंड खूब आगे बढ़े, यही मनोकामना।